ऑटो कैट की जानकारी हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब करें कैट करियर चैनल को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कैट करियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर मैं हाजिर हूँ। इस वीडियो का टॉपिक प्लॉट एरिया से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका प्लॉट इरेगुलर शेप में हो या डायगोनल शेप में हो तो आप प्लॉट एरिया को कैसे डेवलप करते हैं। इस टॉपिक का ये सेकेंड वीडियो है। इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक पेज ओपन किया है और इस पेज में दो प्लॉट बना हुआ है। सबसे पहले मैं आपको इस प्लॉट को डेवलप करने का तरीका बताऊंगा। उसके बाद ये जो बगल में आप दूसरा प्लॉट देख रहे हैं, एक्चुअली ये यही प्लॉट है, लेकिन इस प्लॉट में आप देख रहे हैं कि एक हैचिंग एरिया है और दूसरा विदाउट हैचिंग एरिया है। इस हैचिंग एरिया में आपको वर्क करना है और ये जो विदाउट हैचिंग वाला एरिया है, ये इस पूरे प्लॉट में से इस विदाउट हैचिंग वाले एरिया को निकालना है। तो उसको कैसे बनाते हैं, उसी चीज को मैं इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट जरूर क्लियर होगा। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने बताया था कि अगर आपको इरेगुलर प्लॉट एरिया बनाना हो या डायगोनल शेप वाला प्लॉट एरिया बनाना हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक बेस लाइन लेना होगा और वो बेस लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस प्लॉट में भी ये 80 फीट 6 इंच वाला जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन लेता हूँ 80 फीट 6 इंच का। ये लाइन बनने के बाद उसके बाद सेकेंड स्टेप में ये 23 फीट 6 इंच वाला जो लाइन है उसको बनाते हैं। उसको बनाने के लिए यहाँ पे सर्किल लेंगे 23 फीट 6 इंच का। जब यहाँ पे सर्किल बन जाएगा उसके बाद इस इन पॉइंट पे एक और सर्किल बनाएंगे और उस सर्किल का रेडियस रखेंगे 80 फीट 6 इंच। इस पोजीशन पे सर्किल बनाने के लिए 80 फीट 6 इंच का एक सर्किल बनाएंगे और ये दोनों सर्किल जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करेगा उस पोजीशन से इस पोजीशन पे एक लाइन बना लेंगे। उससे ये वाला फेस यहाँ पे बन चुका है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये वाला लाइन बनाएंगे जिसका लेंथ दिया हुआ है 78 फीट 6 इंच। तो जहाँ पे ये दोनों सर्किल एक दूसरे को क्रॉस किया है वहीं पे एक सर्किल बनाएंगे जिसका रेडियस लेंगे 78 फीट 6 इंच और उस वो सर्किल बनने के बाद इस वाले सर्किल को डिलीट कर देंगे क्योंकि उसका काम अब खत्म हो चुका है। उसके बाद फिर इस साइड वाला जो लाइन जिसका लेंथ दिया हुआ है 41 फीट 9 इंच, उसके लिए इस इन पॉइंट पे एक सर्किल बनाएंगे 41 फीट 9 इंच का और फिर ये दोनों सर्किल एक दूसरे को जहाँ पे क्रॉस किया है वहां से इस पॉइंट पे लाइन बनाएंगे और फिर इस पॉइंट पे लाइन बना देंगे और बाकी जो सर्किल बच गया उसको डिलीट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि सेम प्लॉट यहाँ पे भी बन चुका है। अब इसका डायमेंशन करना हो तो यहाँ से आप डायमेंशन चेक कर सकते हैं। मैं आपको इसका डायमेंशन भी निकाल करके दिखा देता हूँ जो कि बिल्कुल सेम टू सेम आने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस प्लॉट का फिर एरिया निकालना हो तो उसके लिए एरिया कमांड को यूज करेंगे और फिर इस इन पॉइंट से इस इन पॉइंट पे क्लिक करेंगे और फिर इस इन पॉइंट पे क्लिक करेंगे और फिर इसके लास्ट इन पॉइंट पे क्लिक करके इंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका एरिया 2535 स्क्वायर फीट आ रहा है जो कि पहले से यहाँ पे 2535 स्क्वायर फीट लिखा हुआ भी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये विदाउट हैचिंग वाला एरिया यहाँ से निकालना है। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले मैं इस डायमेंशन को डिलीट कर देता हूँ ताकि यहाँ पे अगर सर्किल बनाना हो तो सर्किल बनाने में आसानी हो। जैसा कि यहाँ पे इसका लेंथ दिया हुआ है 26 फीट 5 इंच, तो क्या करेंगे, इस इन पॉइंट पे एक सर्किल बनाएंगे 26 फीट 5 इंच का और फिर उसके बाद नीचे में भी इसका डायमेंशन दिया हुआ है 23 फीट 8 इंच, तो क्या करेंगे, इस नीचे वाले इन पॉइंट पे भी 23 फीट और 8 इंच का एक सर्किल बनाएंगे और फिर ये दोनों सर्किल एक दूसरे जहाँ पे उस लाइन को क्रॉस कर रही है वहां से वहां एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वो एरिया भी निकल चुका है और इसका डायमेंशन भी आप यहां से शो कर सकते हैं। मैं इसका डायमेंशन भी आपको निकाल करके दिखा देता हूं। अगर इस रेस्ट पार्ट का एरिया भी अगर आपको निकालना हो तो फिर से एरिया कमांड को यूज करेंगे और इस इन पॉइंट से इस इन पॉइंट पे और फिर इस इन पॉइंट से इस इन पॉइंट पे और फिर इस इन पॉइंट पे क्लिक करके इंटर की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे एरिया भी इसका दे दिया है
638 स्क्वायर फीट जो यहाँ पे 638 स्क्वायर फीट है। अब यहाँ पे इस वाले पार्ट में आपको अगर ड्राइंग बनाना है तो इस वाले पार्ट को आप यहाँ से निकाल करके बाहर रख सकते हैं। उसके लिए बाउंड्री कमांड का यूज करेंगे। कमांड में टाइप करेंगे BO और इंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पे ओके का ऑप्शन होगा। ओके पे क्लिक करके इस एरिया पे इसके अंदर क्लिक करेंगे और फिर इंटर की प्रेस करेंगे। उसके ऊपर एक पॉलीलाइन क्रिएट हो जाता है और उसको मूव करके बाहर की तरफ आप ला करके फिर इसमें ड्राइंग बना सकते हैं। मैंने बाउंड्री कमांड भी पहले बता दिया है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप डिटेल से बाउंड्री कमांड के बारे में पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर किसी एरिया में से किसी दूसरे प्लॉट एरिया को निकालना हो तो वो भी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।